नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, 15 अगस्त 2022 को भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर चारों ओर उत्साह नजर आ रहा है। हमारी सरकार भी आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रही है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है। इसके तहत सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। दोस्तों, हर आज़ाद देश का अपना राष्ट्रीय ध्वज होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि तिरंगे से कुछ जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या है हर घर तिरंगा अभियान? दोस्तों, तिरंगा अभियान के जरिए सरकार की योजना है कि भारत में हर घर तिरंगा लहराए, और इसके लिए सरकार ने 20 करोड़ घरों का लक्ष्य तय किया है। 13 से 15 अगस्त के बीच जन भारत के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सरकार का प्लान है। आज हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन एक समय था जब हर घर पर तिरंगे को फहराया नहीं जा सकता था। ऐसे बहुत से बदलाव हुए जिसके बाद आम आदमी घर, दफ्तर और स्कूल में तिरंगा फहरा सकता है। 2002 में फ्लैग कोड में बदलाव के बाद आम आदमी को ये अधिकार मिला। आज हर घर तिरंगा फहराने की बात तो हो रही है, ऐसे में तिरंगे के फ्लैग कोड के प्रावधानों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के क्लॉज 2.1 के अनुसार हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो सार्वजनिक, निजी या शैक्षणिक संस्थान में तिरंगा फहरा सकता है। हालांकि तिरंगे को फहराने के कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि 1971 के प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट के तहत कुछ नियम हैं जिनको सभी को मानना होता है। क्या है तिरंगे को फहराने के नियम? दोस्तों, तिरंगा फहराते समय आप ध्यान रखें कि तिरंगा का सम्मान सर्वोपरि हो। कभी भी आपको गंदा या फटा हुआ झंडा नहीं फहराना चाहिए। तिरंगे को कभी भी उल्टा नहीं फहराया जाए। जब आप तिरंगा फहराए तो सबसे ऊपरी हिस्सा केसरी रंग का होना चाहिए। झंडे को किसी के समक्ष झुकाया नहीं जाए। साथ ही तिरंगे के आसपास कोई दूसरा ध्वज उससे ऊंचा ना हो और ना ही उसके बराबरी पर लगा हो। तिरंगे के पोल पर कोई और चीज ना रखी गई हो। इसमें फूल मालाएं और प्रतीक चिन्ह शामिल हैं। दोस्तों, तिरंगा फहराते समय ना वो जमीन पर लगा हो और ना ही पानी में। तिरंगे को किसी पहनावे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आप अपने रुमाल, कुशन या किसी भी ऐसी चीज पर तिरंगा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही तिरंगे पर कुछ लिख भी नहीं सकते। तिरंगा कब तक फहराया जा सकता है? दोस्तों, ये पहले अनिवार्य था कि यदि झंडा फहराया जाता है तो उसे सूर्य उदय और सूर्य अस्त तक फहराया जाना चाहिए। हालांकि जुलाई 2022 में इसमें संशोधन किया गया ताकि लोग दिन रात अपने झंडे को अपने घरों में लगा सके। तिरंगे का अपमान करने पर क्या है सजा का प्रावधान? दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशन ऑनर एक्ट 1971 के तहत राष्ट्रीय झंडे और संविधान का अपमान करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले को 3 साल की सजा और फिर जुर्माना भी उसे चुकाना पड़ता है। इसी तरह राष्ट्रगान को जानबूझकर रोकने या फिर राष्ट्रगान के लिए जमा हुए समूह के लिए बाधा खड़ी करने पर भी आपको 3 साल की सजा हो सकती है। दोस्तों, ये थी तिरंगे से जुड़ी कुछ अहम जानकारी जो हमने आपको बताई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।